क्या आप लोगों को पता है, सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होकर फोटॉन्स की शक्ल में न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में बाहर निकलती है। ये लाइट पार्टिकल धीरे धीरे सूर्य के सतह तक पहुंचते हैं और सूर्य की रोशनी बन जाते हैं। सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है। इसके केंद्र का तापमान 1 करोड़ डिग्री है। सूर्य ठोस नजर आता है मगर है नहीं। ये इतना गर्म है कि इसके सारे एटम्स हमेशा गैस के रूप में ही रहते हैं। पृथ्वी को सारे एटम जोड़कर ठोस या तरल बनाने वाले बंधन उबलते सूर्य की गर्मी में नहीं टिक पाते। जिन दहकती गैस की लपटों की आंच पृथ्वी तक पहुंचती है, उससे पृथ्वी के सतह का टेम्परेचर मैग्नेटिक फोर्स से तय होती है। सूर्य इतना गर्म क्यों है? क्योंकि इसके जबरदस्त ग्रेविटी से इसके एटम्स पास पास आ रहे हैं। ग्रेविटी वाली एनर्जी से एटम्स के अंदर हलचल हो रही है और इससे टेम्परेचर पैदा हो रहा है। हम सूर्य के जितना गहरे में जाएंगे, ये सिकुड़न उतनी ही ज्यादा होगी और उतना ही ज्यादा टेम्परेचर। सूर्य के केंद्र में एटम्स इतना तेजी से चलते हैं कि जब वो आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे में मिल जाते हैं। उनके न्यूक्लियर्स एक दूसरे को छू लेते हैं। सूर्य एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है जो अपनी ग्रेविटी की वजह से टिका हुआ है। इसमें अंदर खींचती ग्रेविटी और बाहर धकेलती गर्म गैसों के बीच एक संतुलन बन गया है। ये संतुलन अरबों सालों से बना हुआ है और इसी स्थिरता की वजह से पृथ्वी पर जीवन का विकास भी संभव हो पाया है।